हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनंत और स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज मैं लेके आया हूं फिर से वो स्प्रे पंप की जो मोटर होती है वो, जो आज मैं फिर से दो लेके आया हूं। ये देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं और एक ये वाली, जो मैं एक साथ दोनों परचेज करके लाया हूं। फिर से मुझे मिली है 100-100 रुपये में, आप देख सकते हैं। चलिए हम खोलते हैं उसके अंदर और निकालते हैं इसके अंदर की जो मोटर है, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था किस प्रकार से इसमें से बेयरिंग वाली मोटर हम निकाल सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, या आप इसमें से इजीली निकाल सकते हैं और बहुत ही कम सस्ते दामों में, या वो आपको ऑनलाइन बहुत महंगी मिलेगी, या आपको केवल 100 रुपये में मिल जाएगी। ये ख़राब हुई इस पर मोटर है, चलिए इसका टेस्ट करते हैं सबसे पहले, ये चलती या नहीं। देख सकते हैं ये चल रही है। चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ये वाली भी चल रही है, दोनों चल रही हैं। देखो इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, जो दोनों चल रही है मोटर इनकी काम कर रही है, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो कम है। चलिए अब इनको खोलना स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं इनकी मोटर, तो किस प्रकार की मोटर है, किस प्रकार की, क्या इसमें जो 700 की जितनी मोटर है वही निकलेगी, लेकिन क्या इसमें जर लगी हुई है, जंग लगी हुई है, देखते हैं निकाल किस प्रकार से इसमें निकलेगी। यहाँ से ये खुलना स्टार्ट होगा, यहाँ से निकल गई ये मोटर, वायर पहले खींचने पड़ेंगे तब जाके निकलेगा। हाँ ये देख सकते हैं ये खुल के अलग हो चुका है, और इसमें देखो दवाई ग्रीस भी लगाई हुई है और थोड़ा थोड़ा इसमें दवाई के कारण ये पीला पीला हो रहा है। ये निकालते हैं बाहर, ये देख सकते हैं वाओ, ये तो बिल्कुल ठीक है, कहीं भी इसकी जंग नहीं लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और ये पीछे से मिट्टी में ज़रूर हो रही है, ये आगे इसकी ग्रीस है, ये बेयरिंग है, देख सकते हैं ये बिल्कुल नई निकली है इसमें से, जैसे ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर बाज़ार से खरीद के लाते हैं इसी प्रकार की निकली हुई है, तो कहीं भी इसकी जंग लगी हुई नहीं है। ये मोटर 775 12 वोल्ट DC मोटर है, देख सकते हैं। अब इसको भी खोलते हैं, ये देख सकते हैं इसमें भी अंदर की तरफ ग्रीस है, और ये थोड़ी मुझे जंग लगी हुई लग रही है, देख सकते हैं आप। पहले इसको निकालते हैं, इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगी हुई है, पीछे बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, और ये आगे की तरफ क्या हालत हो रही है इसकी, अंदर भी इसकी वायर में भी जो पानी जा के थोड़ा थोड़ा कार्बन आ चुका है, और बाहर ये तो इतना सारा गंदा होता है। एक में बिल्कुल अच्छी तरह से निकली है, और दूसरी वाले में देख सकते हैं आप कितनी बुरी हो रही है, गंदा मतलब जंग लग के क्या हालत हो गई इसकी। दोनों में बेयरिंग वाली मोटर है, ये आगे बेयरिंग तो ये कंप्रेशन उत्पन्न करने के लिए, जो दबाव ना पानी को खींचने के लिए लगाया जाता है ये बेयरिंग। आगे इस मोटर के अंदर भी बेयरिंग है, पीछे इसकी ब्रूस है दोनों के अंदर देख सकते हैं, और आगे इनकी बेयरिंग है। आप ऑनलाइन मंगाने की बजाय आप सीड शॉप जो बीज भंडार की दुकान होती है वहाँ से आप खरीद आसानी से खरीद सकते हैं, 200 रुपये में आप इनको परचेज़ कर लें और किसी भी चीज़ में आप इनका यूज़ ले सकते हैं। टॉर्क तो ठीक है, लेकिन इसका RPM कम होता है, टॉर्क तो ठीक ठाक होता है इनका। मेरे पास 3 हो चुकी हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको तीसरी वाली भी। तीसरी वाली ये रही, देख सकते हैं आप, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको दिखाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देख सकते इस प्रकार की इसमें से निकलेंगी,
ये सापट के ऊपर कट है, 5 mm की इनकी सापट होती है सभी की। 3 मोटर इसमें से 3 मैंने परचेज की हैं 100-100 रुपये में, और आप ख़राब हुई लेके आ सकते हैं और उसे काम में ले सकते हैं। इनका सिर्फ ये पंप ख़राब हो जाता है, इसे पानी नहीं उठाती। वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त।